मैं कमिंग मैम। यस कमिंग। तो फर्स्ट टिप्स ये है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं कमिंग सर, मैं कमिंग मैम। तो जब तक वो आपको यस ना बोले, यस कमिंग, तब तक आपको अंदर नहीं जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले पूछ कर जाना है। तो चलिए चलते हैं आगे। प्लीज हैव अ सीट। तो सेकंड टिप्स ये है कि आपको जब तक बैठने के लिए ना बोला जाए तब तक आपको बैठना नहीं है। अगर वो आपसे बोले हैव अ सीट, टेक अ सीट, तभी आप बैठेंगे। और ये नहीं कि आप बहुत जोर से बैठ गए, आप चेयर हिला रहे हैं, आप उसके ऊपर कूद रहे हैं, नहीं, चेयर की आवाज बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बैठना है और इसके साथ ही जब तक आपसे बोले नहीं तब तक आपको बैठना नहीं है। और आपको आवाज भी नहीं करनी है, चेयर की आवाज नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से बैठना है। क्योंकि वो आपके इंटरव्यू के साथ साथ आपके एटिकेट्स भी देखेंगे। क्योंकि अगर क्लास में मैम भी मस्ती करेंगी या मैम भी शोरगुल करेंगी तो बच्चों को हैंडल कैसे करेंगी। तो सेकंड टिप्स ये है कि जब तक आपको बैठने को बोला ना जाए तब तक आपको बैठना नहीं है। यस, पहला अबाउट योर सेल्फ, अपने एजुकेशन बताइए कि आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, किस स्कूल से आप आई है, ठीक है, तो आप मुझे बता सकती है सब कुछ। माय नेम इज सोनिया, मैं एबीसीडी इस शहर से हूँ और मैंने क्वालिफिकेशन है, मैंने बीए किया है, एमए किया है, उसके बाद मैंने बीएड भी किया है। मुझे 10 इयर्स का मिनिमम 10 इयर्स का स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं छोटे बच्चों को भी अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। घर में मेरी एक बेटी है, एक बेटा है और मेरे हस्बैंड, उनके एक शॉप है। तो जब आपसे पूछा जाए कि अबाउट योर सेल्फ, तो आपको अपने बारे में बताना है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है और आप किस क्लास को हैंडल कर सकती हैं वो भी बता सकती हैं। इसके अलावा आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप किस स्कूल में पढ़ाती हैं, किस स्कूल से आप पढ़ी हैं, वो सब भी आप बता सकते हैं। या मैं आपको बता दूं कि आप जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू देने गई हैं, आपके जिस सब्जेक्ट में कमांड है या जिसमें आपने एमए किया है, मास्टर डिग्री ली है, आप उसकी अच्छे से तैयारी करके जाइए। आप मैथ्स की हैं तो आप मैथ्स की तैयारी करके जाइए, क्योंकि वो आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हिंदी के हैं तो हिंदी की ग्रामर पे आप अच्छी कमांड करके जाइए। आप इंग्लिश ग्रामर की हैं, इंग्लिश पढ़ाना चाहती हैं तो आप इंग्लिश ही करके जाइए, ठीक है। तो आप जो सब्जेक्ट के अच्छी कमांड है आपकी और जिसमें आपकी मास्टर डिग्री है, उस पर आप अच्छे से तैयारी करके जाइए, तभी आप इंटरव्यू में सफल होंगी। तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि मैं एक बार हिंदी के लिए गई थी तो मुझसे उन्होंने हिंदी की मात्राएं पूछी। मुझसे बोला कि अब र की कितनी मात्रा होती है वो हमें बताइए। तो मैंने उन्हें बताया कि रात की मात्रा होती है, पदेन की मात्रा होती है, नीचे री ऋषि की मात्रा लगती है ना, चार तरह की मात्रा बता दी मैंने उन्हें। रैफ की जो आपको पता होगा कि ऊपर रैफ लगती है, नीचे पदेन प्रकार, ठीक है, उसमें लगती है, ट्रक, ट्रक में वी शेप में लगती है, और री ऋषि की जैसे ग्रह मृग, ठीक है, और सूर्य में रैफ की लगती है। तो मैंने चार तरह की मात्राएं बता दी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि नहीं, मात्राएं तो पांच होती है, आप एक और बताइए। तो मैं सोच में पड़ गई और कंफ्यूज हो गई कि मुझे पांचवी मात्रा नहीं पता थी, लेकिन र की चार ही मात्राएं होती है, ये मुझे बाद में पता चला। इसके अलावा आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उस स्कूल में जब बुक पढ़ा रहे हैं वो किस पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, उस बुक का नाम क्या है, उसके राइटर कौन है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि एनआरआई को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम जो यहाँ से विदेश या विदेश में जाके बस जाते हैं भारतीय, हम एनआरआई बोलते हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा में एनआरआई बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्हें प्रवासी भारतीय बोला जाता है, ठीक है। तो एनआरआई को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हिंदी के टीचर के लिए, हिंदी के लिए मैं गई थी तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आपको तैयारी करके, प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। इसके अलावा आप जो सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, अगर हिंदी है या इंग्लिश है, तो आप ग्रामर का कोई सा भी एक टॉपिक दे सकते हैं आपको, कि उस पर आपको बच्चों को पढ़ाकर दिखाइए, पीछे वो बैठ जाएंगे और आपसे बोलेंगे डेमो दीजिए, ठीक है। आप इस सब्जेक्ट के लिए आई हैं तो आपसे उस सब्जेक्ट के बारे में ही वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको उनकी तैयारी करके अच्छे से जानी पड़ेगी। तो फर्स्ट टिप्स है कि आप अंदर आए तो पूछ कर आए, जब तक आपसे बोला नहीं जाए तब तक आप बैठे नहीं। और थर्ड टिप्स ये है कि आप अपने जो सब्जेक्ट के लिए जा रही है उसकी कमांड अच्छी होनी चाहिए आपके, ठीक है, उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है,
आप पढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आई कॉन्टेक्ट करके दीजिए, ये नहीं कि आप नीचे बैठ के वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप नीचे बैठे हुए अपने हाथ हिला रहे हैं, अपने नाखून कर रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं। नहीं, आप सामने उनको देखकर बात कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको सब्जेक्ट देखकर ही वो टीचर रख लें, वो आपकी बोल चाल की लैंग्वेज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके एटिकेट से, तब भी आपको टीचर रख। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको नीचे आंखें करके जवाब नहीं देना है, आपको सामने आई कॉन्टेक्ट करके ही आंसर देना। और बी कॉन्फिडेंट, क्या होगा आपको नहीं दिखेंगे टीचर, कोई बात नहीं, दूसरे स्कूल में चले जाना आप इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उनको बॉडी लैंग्वेज से लग गया कि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, ये नहीं हैंडल कर पाएंगी, क्योंकि कुछ कुछ ये होता है कि जैसे नहीं गए आप, पहली बार गए हैं, नए नए गए किसी स्कूल में, थोड़ी हिचक होती है, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है ना, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो ये चीज़ को लोग भाप लेते हैं कि जब ये हमारे सामने नहीं बोल रहा तो 30 या 40 बच्चों के सामने ये कैसे उनको हैंडल कर पाएंगे। और जब डेमो लेंगे आपका तो 4 या 5 टीचर पीछे बैठ जाएंगे। तो आपको इस चीज की तैयारी करनी होगी, एक आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा कि आपको इंटरव्यू में झुंझलाना नहीं है या तेज आवाज में आपको आंसर नहीं देना है। बी पेशेंस, आप आंसर क्वेश्चन को सुनिए, उसके बाद आराम से आंसर दीजिए। और ये भी नहीं करना आपको कि अगर आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे उन्होंने तो आपने लंबी चौड़ी रामायण उनको बताने लग गए, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि आपको बोलते जाना है, सामने वाले को मौका ही नहीं देगा क्वेश्चन पूछने का। तो आपको जितना पूछा जाए उतना आपको लिमिटेड जवाब देना है। एक बात और, यहाँ आपसे वो हैंड राइटिंग एप्लीकेशन भी लिखवा सकते हैं। आजकल सब स्कूलों में ये होता है कि हमें ना अपना डेटा बना के ले जाते हैं, बायोडाटा वहाँ दे देते हैं, तो इसके अलावा वो आपसे हैंड राइटिंग में एप्लीकेशन भी लिखवाएंगे कि आपकी राइटिंग भी देख लेंगे और उसको पता भी लग जाएगा कि इनको हिंदी या इंग्लिश की एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिखना आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान देते हैं और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की मदद से भी वो जांच लेते हैं आजकल कि ये बंदे में कितनी काबिलियत है, ये मेहनती है कि नहीं है। तो आपको इन चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो जो मेरे साथ एक्सपीरियंस था, जो जो मैंने फेस किया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप टीचर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी तैयारी करके जाएं और जो टिप्स मैंने आपको बताया उनको फॉलो करें। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके देन, थैंक यू, बाय।